वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, एशियन पोएट्री एंड टॉक शो विथ डॉक्टर साहेब खंदारे। डॉक्टर कविता राजा बोलती में आज हम देख रहे हैं कि गोंदिया के कुलचूर टोला यहाँ के एक शिवधाम मंदिर में हम आए हैं। यह शिवधाम मंदिर पारंपरिक ना हो पर किसी की श्रद्धा ने बनाया है। यहाँ के एक कुलचूर टोला के एक सघन व्यक्तिमत्व ने यह मंदिर बनाया है। आइए हम देखते हैं इस मंदिर की विशेषता, सुंदरता और सारी जानकारी। यह है फुलचूर ग्राम और ये फुलचूर ग्राम यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। हम अभी प्रवेश कर रहे हैं शिवधाम परिसर में। हम देख रहे हैं कि दो लोग शिवधाम परिसर से आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर आप रुकिए, आप यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं कि दर्शन के लिए आए थे? रुकिए ना, मैं दो शब्द पूछती हूँ ना आपसे। तो कहाँ से आए हैं? हम गोंदिया से आए हैं। गोंदिया से आए हैं। इस मंदिर की जानकारी आपको पहले से ही थी कि अभी हुई है? नहीं, नहीं, जब से ये बना है तब से। जी जी, श्रद्धा है आपकी यहाँ? हाँ। तो इस मंदिर में काफ़ी लोग आते होंगे ना? बहुत। महाशिवरात्रि में बहुत। तो महाशिवरात्रि में आए थे आप लोग? हाँ। फिर आए, मतलब हफ्ते में एक बार आते हैं? हाँ, आते चाहे। टहलना भी हो जाता है, दर्शन भी हो जाते हैं। अच्छा, मेन तो दर्शन हो जाते हैं, बहुत जी, जी जी बहुत अच्छा है। अरे वहाँ का पूजा पाठ करो, बहुत अच्छा है। जी जी, बहुत अच्छा लगता है शिवरात्रि में तो, बहुत अच्छा। थैंक यू। ही निसर्ग रम्यता जरी नैसर्गिक नसली तरी पारंपरिक तरी पुन्हा इथे सौंदर्यीकरण केलेलं आहे। आणि या सौंदर्यीकरणमध्ये आपण पाहतो आहोत की आज जी गरज आहे वृक्षांची, ती गरज इथे भागवलेली दिसते आहे। हम देख रहे हैं कि यहाँ सब सुंदरता है। एक सघन बिसेन परिवार है उनका ये एरिया। इस एरिया में हम देख रहे हैं कि मंदिर के दोनों साइड तालाब है। हाँ, और तालाब में उन्होंने यह नई जगह बनाई है। हम यहाँ देख रहे हैं कि शिवधाम में, शिवधाम मंदिर का ये परिसर, शिवधाम की सुंदरता और शंकर जी की यह पुण्य मूर्ति। और इसी के साथ यहाँ आज SS गर्ल्स कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राएं आई है, जो यहाँ सफाई अभियान कर रही है और उन्होंने आजू बाजू का परिसर साफ किया है। भारतीय परंपरा के अनुसार हम देखते हैं कि शंकर जी से पहले नंदी बैल जो उनके भक्त थे उनसे मिला जाता है। यहाँ भी उसी परंपरा के अनुसार सामने नंदी जी की मूर्ति है। यह शंकर जी की पिंडी, शंकर जी की मूर्ति से ज़्यादा महादेव जी की पिंडी का महत्व है। हम यहाँ देख रहे कि महादेव जी की पिंड रखी हुई है और वहाँ उनके सर पर अभिषेक करता हुआ कलश है। बड़े तालाब परिसर में बीच में जगह बनाकर यह मंदिर बनाया गया है। हम देख रहे हैं कि पूरा क्षेत्र तालाब का है और बिसेन जी जो जमींदार थे उनके यह उनके जमींदारी का यह भाग है और उनके जमींदारी में आने वाली यह जगह उन्होंने शिवधाम के लिए बनाई गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में, महेश यानी महादेव जी, शंकर जी, इनका जो स्थान है वह अति महत्वपूर्ण है और उसी की
प्रचिति हमें यहाँ मिलती है। जी, आप यहाँ कितने साल से हैं? 5 साल हो गया जी, 6 साल। मंदिर बनने को भी 6 साल? 6 साल हो गए ना। ये मंदिर किसने बनाया? ये तो सबका ही है जी, पर संचालक राजेश चतुर करके हैं, सीए साहब। सीए साहब, और यह जो जगह है वो किसकी है? जमींदार बाबा। जमींदार बाबा का नाम पूरा? वीरेंद्र सिंह नागपुरे। वीरेंद्र सिंह नागपुरी, क्या वो यहीं रहते हैं? हाँ, यहाँ जो बड़ी बिल्डिंग है बाड़ा, हाँ जी, हाँ, वो उनका है? जी हाँ। जी जी, उन्हीं की जमीन है ये। हाँ। जमींदार फिर सब विचार करके मंदिर बना लिए। जी जी, जमीन उनका, तालाब उनकी। हाँ जी, तो वो भी है कि है, जी। है ना, कभी मिल सकते हैं अगर मिले तो। हाँ जी हाँ। तो आपको यहाँ जो अपॉइंट किया गया है जी, तो ऐसे मंथली महीने से कुछ देते हैं कि जो दान दक्षिणा आता है उससे हो जाता है? मंथली देते हैं ना, ठीक है। और फिर पंडित जी, यहाँ महाशिवरात्रि में काफ़ी भीड़ रहती है ना, और मेला लगता है ना? मेला लगता है, काफ़ी भीड़ रहती है, हम नहीं आ पाए थे इस बार। मेला लगता है। कितने दिन रहता है मेला? एक ही दिन रहता है? एक ही दिन रहता है, सुबह से शाम के 12 बजे तक। शाम के 12 बजे तक है ना। और रोज ऐसे रोज भी भक्त आते रहते हैं? आते हैं जी, सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है। जी, सोमवार को भीड़ रहती है। तो ये भक्त ही मतलब गोंदिया से ही आते हैं कि आजू बाजू के परिसर से भी आते हैं? आजू बाजू से भी आते हैं। आजू बाजू से भी आते हैं ना? आजू बाजू से, आजू बाजू से भी आते हैं। और आप कितने सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह 8 बजे। और शाम को भी दोनों समय? हाँ जी, दोनों समय। बीच में मंदिर बनता है? हाँ जी, बंद रहेगा जी। अभी 10 बजे से बंद रहेगा जी, तो 5 बजे खुलेगा। काका आपका नाम? ये नहीं बोलता जी, वो यहीं के है। ये हाँ यहीं के है। हाँ हाँ, पंडित ही है तो आ जाता है हमेशा। अच्छा अच्छा, गोंदिया के पंडित जी है, कभी कभी आ जाते हैं जी। ठीक है पंडित जी। बेहद खूबसूरत ऐसी यह जगह हम यहाँ देख रहे हैं। सर, मंदिर का होने के बावजूद भी इस तालाब का जो उपयोग है वो घरगुती काम के लिए भी किया जाता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ महिलाएं बर्तन धोती, कपड़े धोती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने मतलब पवित्र स्थल के साथ साथ अपने निजी ज़रूरतों का भी पूर्ति यह मंदिर करता है। आपका नाम जी? रोज़ कपड़े धोने आते हैं? रोज आते हैं ना? रोज। और सर, आप यहीं रहते हैं क्या? यही रहते हैं। अच्छा अच्छा, पर जगह नहीं है, इधर पानी नहीं मिलता। हाँ, बारिश के और विभिन्न समय यहाँ बोटिंग भी की जाती है, बोटिंग का मज़ा भी लिया जाता है। गोंदिया के सीए श्री चतुर जी सर ने यहाँ पीने के पानी योग्य बोरवेल भी बनाया है बच्चों को खेलने के लिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक गार्डन भी है।